एक नए राइड पे जा रहे हैं, तो नए राइड पे जाने के पहले पेट्रोल डलवाना ज़रूरी है। पता नहीं कब कहाँ खाली हो जाए, तो इसलिए सुबह सुबह पेट्रोल पंप पे आ गए हम। भैया इसमें भी डाल दो 200 का। हाँ गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल में। नई राइड की शुरुआत है, आज बहुत ही छोटा राइड है। अभी हम एक रास्ता एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि कुछ दिन पहले हम साइकिलिंग करके जा रहे थे, तो एक नया रास्ता हमें मिल गया और वो रास्ता काफी दूर जा रहा था। किधर जा रहा था हमें मालूम नहीं है, लेकिन साइकिल से तो नहीं जा पा रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो भाई उसका हम एक्सप्लोर करेंगे बाइक से। तो वेलकम बैक गाइस वंस अगेन टू माय चैनल। आज 18 अप्रैल है और एक और राइड के लिए हम निकल चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरा पार्टनर जो है वो जयंतदा है और जयंतदा हमारे आगे है। बेसिकली हम जा रहे हैं आज वो रास्ता एक्सप्लोर करने, और क्योंकि बाइक काफी टाइम से निकाले नहीं थे, तो एक छोटा राइड भी हो जाएगा और वो रास्ता भी हम एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी बज रहे हैं 7:45 और जयंतदा मेरे साथ है, और आप देख सकते हैं सनराइज हो चुका है। जब सनराइज होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। आजकल थोड़ा जल्दी सनराइज हो जाता है, थोड़ा सा निकले 6:30 6:30 6 बजे के आसपास सनराइज हो जाता है। हम 7:45 बजे निकले हैं, तो इसलिए आपको वो मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब सन राइज होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। कई बार तो मैं उस नज़ारे को देखने के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं, उससे दिल इतना खुश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। तो वहाँ से हम ले लेंगे लेफ्ट, सीधा एक और पड़ाव की तरफ जाता है, यहाँ से हम लेते हैं लेफ्ट। और ये एंट्रेंस देखिए कितना खूबसूरत एंट्रेंस है, बहुत ही सुंदर एंट्रेंस बना है। तो गाइस ये गांव का रास्ता है, ये आप देखिए दोनों तरफ गांव ही है। इनफैक्ट गांव था, अब ये मॉडर्न गांव हो गया है, तो पक्के घर बन गए हैं, लेकिन किसी जमाने में ये कच्चे घर रहा होगा। अभी तो सारे घर जो है वो पक्के बन गए, लेकिन आप बीच बीच में देख सकते हैं कि खेत भी है। अगला भी आपको दिख जाएगा, गाय भैंस दिख जाएगा रास्ते में, तो वो गाय का फील तो अभी भी आता है पूरा। जब हम निकले थे तो जयंतदा का बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब भी हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो किक स्टार्ट करते हैं, जयंतदा का भी बाइक स्टार्ट कर रहे थे। 10-15 किक लगा लिया भाई साहब, जयंतदा ने भी लगाया, मैंने भी लगाया, पर बाइक स्टार्ट ही ना हो रहा। अभी कल ही उन्होंने सर्विसिंग करके लाए थे, तभी हमने सोचा कि चलो एक राइड कर लेते आज, पर ऐसा लग रहा था कि आज का राइड कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था जयंतदा का। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा चलो एक सर स्टार्ट करके देखते हैं होता है कि नहीं। सर स्टार्ट मारा तो भाई साहब एक ही बार में स्टार्ट हो गया और हमें अपना राइड जो है कैंसिल करना नहीं पड़ा। तो गाँव में हुक्का पीने का भी मजा अलग है, एकदम सुबह सुबह उठ जाते हैं, चाय और हुक्का पीते हैं एकदम। तो वॉइस कमेंट करके बताओ आप लोग कैसा लग रहा है अभी तक का ये राइड, अच्छा लग रहा है, नहीं डर लग रहा है, ये नज़ारा आप लोग देखने को मिलता है नहीं मिलता है वो देखो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रेलवे लाइन है। जैसे ही आप गांव में आते हैं एक अलग टाइप का खुशबू होता है, वो गांव का मिट्टी, वो गांव का खुशबू, उसका बात ही अलग है, अलग ही फील आता है, जो शहरों में बहुत ही ज्यादा मिसिंग है। यही ये रास्ता जो हम कह रहे थे, आप रास्ता देखो यार इतना शानदार रास्ता है। एक्चुअली दोनों तरफ खेत है, आप दोनों तरफ खेत देख सकते हैं, लेकिन अभी खेत कट गया, बीच बीच में आपको कोठी उठी भी दिख जाएगा, बहुत शानदार कोठी बनाया है। ये देखिए एक इधर है, एक दूसरा कोठी इधर है, और जयंतदा हमारे साथ में चल गए। तो यही रास्ता हमें एक्सप्लोर करना था आज, खुलासा करेंगे कि रास्ता आखिर जाता किधर है। आज मैंने कोई गियर नहीं पहना क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गया है, तो जैकेट वगैरह पहनने से ना गर्मी बहुत लगता है, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, क्योंकि मैंने जैकेट नहीं पहना है तो ठंडा ठंडा हवा लग रहा है। और आप सामने एक ब्रिज देख सकते हैं, वो ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, वो यमुना के ऊपर ही है। और ये देखिए भाई साहब, वाह 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 क्या खूबसूरत नजारा है। और ये कुछ कच्चा रास्ता, ये रास्ता काम चल रहा है यहाँ पे,
ये भाई साहब एक ऑफ रोडिंग भी हो जा रहा है। जब मिट्टी ज्यादा होता है यहाँ पे गिरने का चांसेस रहता है, तो आराम से संभाल के चलाना चाहिए। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम राइड के लिए निकलते हैं, लेकिन हम किधर जाते हैं, किधर जाना है हमें मालूम नहीं है, वो तो वक्त ही बताता है। और आज भी वैसा ही है, हम निकल तो चुके हैं लेकिन हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हमें नहीं मालूम है। हम एक नया रास्ता एक्सप्लोर करने निकले हैं और देखते हैं हमें कहाँ लेके जाता है। तो भाई साहब ये है यमुना रिवर, आप देख लीजिए कितना सूखा पड़ा हुआ है इस जगह पे। और जो मैं ब्रिज दिखा रहा था वो इसलिए था क्योंकि वो यमुना रिवर कहीं ना कहीं से क्रॉस कर रहा होगा, तो उसके ऊपर से ही वो ब्रिज बन रहा था। और ये यमुना रिवर आप देखिए, तो यमुना रिवर की तरफ से हम जा रहे हैं अभी। वाह मजा आ गया यार, पहली बार जा रहे हैं ऐसे, फर्स्ट टाइम। अब भी देखो लेकिन पूरा नदी खाली है, पानी बहुत ही कम है। तो मैं पूरा राइड का मजा लेता हूँ, आप भी नज़ारे का मजा लो, थोड़ा सा नज़ारे को भी आप लोग देखो और मैं राइड को थोड़ा एंजॉय करता हूँ। आप यहाँ पे देखिए काफी लोग दिख रहे हैं, अभी तक कोई नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे घर हैं, यानी कि विलेज खत्म। तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर हुआ थोड़ा सा गर्मी लगने लगा, जो ठंडापन था ना वो खेतों के बीच वो खत्म हो गया। मुझे लग रहा था 4 से 5 डिग्री का वेरिएशन होगा यहाँ पे। तो गाइस हमारा राइड अभी तक खत्म नहीं हुआ, आज हम पता लगा के रहेंगे कि ये रास्ता आखिर कहाँ तक कनेक्ट होता है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते हैं तब तक हम ये राइड करते रहेंगे। तो आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ और इस ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए। ओए संभाल के भाई, मार मत दिए मेरे को। और ये अलग टाइप की जगह लग रहा है मुझे, अलग टाइप का रास्ता है ये देखिए, बहुत ही छोटा छोटा रास्ता है, उतना अच्छा रास्ता भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं ये देखिए, और यही तो मजा है राइड का, थोड़ा गड्ढा होता है, कभी अच्छा रास्ता होता है, कभी गर्मी कभी ठंडा, तो इसी का तो मजा है गाइस। हम तो बस चलते जा रहे चलते जा रहे, रास्ते में कहीं चाय का दुकान मिल जाएगा तो चाय पी लेंगे। और ये जो पत्थर दिख रहा है मुझे, मुझे लग रहा है यहाँ पे जब बारिश के टाइम में यहाँ से पानी बहुत बहता होगा, तभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पत्थर है। जब जहाँ से भी पानी बहता है वहाँ पे ऐसे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए। तो ये दिल्ली है, अभी हम नोएडा में नहीं गए हैं। मुझे लगता है आगे जाके कालिंदी कुंज मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं वो सुपरनोवा है, और सुपरनोवा कालिंदी कुंज के आसपास ही है और वहीं से नोएडा शुरू हो जाता है ना। तो हम आगे तक जाते हैं और देखते हैं कहाँ तक ये रास्ता पहुँचता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये कोई मेट्रो स्टेशन है, और हमें लग रहा है कि ये कालिंदी कुंज का ही मेट्रो स्टेशन होगा। तो हम इसी रास्ते से ना आगे जाके थोड़ा सा और बैठ के थोड़ा सा गपशप कर लेंगे, चाय का दुकान मिलेगा तो चाय भी पी लेंगे, है ना। तो जहाँ पे आप चाय का दुकान देख लो वहीं पे बैठ जाते हैं, फिलहाल तो आगे से यू टर्न लेके आ जाते हैं, बस अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ट्रैफिक मिलेगा बहुत हमें। एग्जैक्टली 25 किलोमीटर है हमारे घर से, तो हम यहाँ से अभी यू टर्न ले लेते हैं। हम लोगों ने एक छोटा राइड कर लिया है और एक छोटा सा ब्रेक लिया है, आप देख सकते हैं यहीं से हम आ रहे थे। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, ये पीछे हमारा आप देख सकते हैं ये यमुना है, और यहाँ से एक नाव भी देख रहे हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं दूसरी तरफ, बाइक लेके जाते हैं। ये कैसे बाइक लेके जा रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग हो रहा है। और लेकिन नदी आप देखो कितना गंदा है, काला पड़ा हुआ है एकदम, पूरा पानी नहीं है। पानी तो चलो इस मौसम में नहीं रहेगा, लेकिन गंदा कितना है आप देखिए। तो रास्ता ये देखिए, दोनों इस तरफ गांव है और इस तरफ आप यमुना रिवर आप देख सकते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कैसे लेके जा रहे हैं। तो धूप निकल आया अभी, हाँ धूप है इस समय, और करीब 8 बज रहे हैं। और हम लोग अभी एक ये रोड है नया, हम लोग आज एक हम लोगों ने देखा अच्छा रोड बना हुआ है, हमने सोचा देखते हैं कहाँ तक जाता है।
उस रोड पे हम गए और ये यमुना के साथ साथ चलता हुआ काली निगुंज तक पहुंच जाता है। यहाँ पे मीठापुर और सरिता विहार का जंक्शन है, वहाँ पे जाके मीट करता है, तो इसलिए इसका नाम मीठापुर है। हाँ और जैसा कि कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ अब यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग लोग कर रहे हैं। हाँ और बड़ा इंडिजिनस सा वे रास्ता बनाया इन्होंने। हाँ और धीरे उतरते हैं कच्चे में मोटरसाइकिल को, अपना मोटरसाइकिल स्कूटर जो भी है उसको नाव के ऊपर चढ़ा के क्रॉस करते उधर जाते हैं। हाँ। अच्छा राइड रहा वैसे आज का, ठीक था, एक अलग टाइप का राइड था, छोटा राइड बट इट वाज अ वेरी कंफर्टेबल राइड। और दूसरा एक मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये रास्ता कहाँ जाता है जाता, तो आज हमें पता चल गया। हाँ। कभी इमरजेंसी में ये रास्ता भी ले सकते हैं। ले सकते हैं। ये कहाँ रुक गए, रास्ते में चल रहे थे चाय की दुकान, तो भाई चाय पीने का मन कर गया। ये देखिए यहाँ पे एक चाय का दुकान मिल गया हमें, ये है चाय का दुकान। और जयंतदा को कुछ और दिख गया है, ये शहतूत का पेड़ है। हाँ छोटे छोटे शहतूत लगे हुए पके हुए, ये देखो शहतूत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शहतूत ही बोलते, शहतूत अंग्रेजी में ब्लैकबेरी, ये बेरी है ना, बेरी है। गाइस बहुत ही मीठा है, मजा आ गया, थोड़ा सा और दीजिए मुझे। ये ब्लैकबेरी है मुझे लग रहा है, ब्लैकबेरी है ना। हाँ। ये बहुत ही मीठा है और मज़ा आ गया, ऐसे मिलता नहीं है वैसे। और ये देखिए जयंतदा निकाल रहे हैं हमें और मुझे निकाल के दिया है, ये देखिए मैं खाता हूँ इसको। तो यही मज़ा है जब आप राइड पे निकलते हैं, और ख़ास करके राइड पे जब अब आसपास कोई गांव होता है तो उसका अलग ही मज़ा है। ये हमारा बाइक इधर पार्क है, ये मेरा बाइक है और ये जयंतदा का, और जयंतदा का लगे हुए एकदम। तो एक बहुत ही अच्छा हमें चाय का दुकान मिल गया, आंटी जी भी मिल गए हमें, और आंटी जी कह रहे समोसे भी खिलाएंगे, समोसा फ्रेश एकदम। कितना टाइम लगेगा अभी समोसा? तो ये देखिए समोसा का सारे चीज तैयार है यहाँ पे, आप देखिए बनी है, ये देखिए ये सब बना हुआ है। और चाय फटाफट से अदरक डाल के बना दो, अदरक ना भैया, अदरक नहीं आप इलायची मत डालना फिर, और मीठा थोड़ा सा कम, गर्मा गर्म बनाओ एकदम बढ़िया सा। तो हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं, देखिए आप कितना बढ़िया जगह है यहाँ पे। आप जब अंदर आएंगे तो आपको आप देखिए ये कैसा है, तो गर्मी नहीं लगेगा आपको, बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको कैसा। तो हम यहाँ अभी बैठ गए हैं, समोसा बन रहा है, 10 मिनट लगेगा, तो समोसे का इंतज़ार हो रहा है। बहुत दिन बाद जयंतदा का भी मूड लग रहा था मुझे। वैसे तो मैं खुद मना करता हूँ जयंतदा को कि समोसे नहीं खाना है, पराठे नहीं खाना है, लेकिन हम जब राइड पे निकलते हैं तो हम समोसे भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, है ना, बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से खाते हैं। तो आप लोग भी अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक दिन चीट डे मना सकते हैं, लेकिन बाकी दिन प्लीज़ इस तरह के चीज़ ना खाएं, समोसे पकौड़ा पराठे उसको अवॉइड करें तो अच्छा है। तो हम लोग भी नहीं खाते हैं वैसे, मैं भी बहुत दिन बाद आज समोसे खाऊंगा, देख के मूड हो गया क्योंकि आंटी इतना अच्छे से बना रहे थे, वो मसाला इतना अच्छा लग रहा था देखने में, तो मुझे लगा कि समोसा खा लेते। आपने कब खाया था लास्ट समोसा? बहुत दिन हो गए, याद भी नहीं है, मूड तो कर रहा होगा। तभी आंटी ने कहा 10-15 मिनट लगेगा, तो हमने जो मूड है मैंने कहा मूड तो है और समय भी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8-10 ही हुआ है अभी, तो हम 9 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। और वैसे तो गर्मी काफ़ी हो चुका है, धूप निकल गया है, लेकिन आप देखिए हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे उतना धूप हमें नहीं लग रहा है। जयंतदा देखिए कैसे बैठे हुए हैं, हवा भी ठंडी है। और ये चाय आ गया हमारा, और ये चाय आ चुका है, चाय का मजा लेते हैं।
खटाई में बैठ के चाय का मजा का बात ही भाई अलग है। तो गाइस हमारा चाय नाश्ता हो गया है, हमने समोसे भी खा लिए और जलेबी भी खा लिए। मजा आया जयंत दा, बढ़िया नाश्ता हो गया। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया है और 90 रुपये लगा चाय समोसे जलेबी, 90 रुपये में हमारा हो गया फर्स्ट क्लास नाश्ता। बढ़िया। और ये क्या था, शहतूत, और नेचुरल शहतूत भी हमने, आप देखिए हमने खाया तो बहुत अच्छा एनर्जी मिल गया। और ये देखिए चाय का दुकान था ऐसे छोटा सा, और हमारा बाइक तैयार, स्टार्ट कर लिया हमने, अब हम निकलते हैं। चलिए सुबह अभी 8:30 बज गए और हमने अच्छा खासा नाश्ता कर लिया है और हमारा आज का राइड कंप्लीट हो गया। बस अब सीधे घर ही जाना है, 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं लाता रहता हूँ, नया नया जगह आप लोग को देखने को मिलेगा इस चैनल में। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।